नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने शुक्रवार को हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। हयाशी ने कहा है कि 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि भारत और जापान दोनों क्रमशः G20 और G7 की अध्यक्षता करते हैं। योशिमा हयाशी ने कहा कि पीएम मोदी ने पर्यावरण के संबंध में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए जापान का समर्थन बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा पेश की गई लाइफ की अवधारणा, जो कि हर किसी को पृथ्वी के अनुरूप जीवन जीने के लिए कहती है, हमारी सरकार की नीति के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 38% लोग गैर अल्कोहलिक वसायुक्त यकृत की बीमारी से पीड़ित है। यानी यह बीमारी उन लोगों को होती है जो मदिरा का उपयोग नहीं करते या ना के बराबर करते हैं। यह बीमारी केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे करीब 35% बच्चे भी प्रभावित है। यह अध्ययन रिपोर्ट जून 2022 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी में प्रकाशित हुई है। बिहार के कई जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। ताज़ा मामला मधेपुरा का है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए YouTube पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाले सिंगर को गिरफ्तार किया है। बीते 26 जुलाई को YouTube के माध्यम से एक धर्म सूचक गाना काफी तेजी से वायरल हो रहा था। इसमें कई आपत्तिजनक पंक्तियां भी थी। गाने में कुछ ऐसे भी बोल थे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ने की संभावना जताई जा रही थी। मामले में पुलिस ने आपत्तिजनक गाना गाने वाले सिंगर को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक निजी यूट्यूब चैनल का वीडियो साझा कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने जिस वीडियो को साझा किया उसमें देखा जा सकता है कि एक सब्जी विक्रेता अपने दर्द को साझा करते हुए कहता है कि टमाटर बहुत महंगा बिक रहा है, यदि हम यहां से ले जाते हैं तो वहां क्या भाव बिके या ना बिके हमें नहीं पता रहता है, हमें इसे बेचने ही पड़ते हैं क्योंकि 2 से 3 दिन में यह गलने लगता है। सब्जी विक्रेता ने कहा है कि हमें कई बार घाटा लग जाता है, इससे गुजारा नहीं हो पाता है, फिर कुछ ही देर में वह भावुक हो जाता है। जयपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को बिना किसी कागजात के पाकिस्तान जाने के लिए पहुंची नाबालिग लड़की को पुलिस को सौंप दिया। एयरपोर्ट थाना के प्रभारी दिगपाल सिंह ने बताया कि सीकर के श्रीमाधोपुर निवासी लड़की बिना किसी कागजात के शुक्रवार को पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर हवाई अड्डे पहुंची थी। उन्होंने बताया कि लड़की ने पूछताछ में बताया कि वह इंस्टाग्राम पर दोस्त बने कि युवक से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने हवाई अड्डा आई। सिंह ने बताया कि लड़की के पास कोई कागजात नहीं थे। उन्होंने बताया कि लड़की के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, उनके यहाँ पहुँचने पर लड़की को उन्हें सौंप दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 29.2 मिलियन हो गई है। इसके पीछे की वजह अफगानिस्तान में आए सूखे, बाढ़, सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता को बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में आर्थिक संकट 2023 तक बना रहेगा। ऐसे में अफगानिस्तान में 19 मिलियन लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए $1.45 बिलियन की जरूरत पड़ने वाली है। भारतीय सशस्त्र बलों में कोई भी महिला अभी तक स्पेशल फोर्स में शामिल होने योग्य नहीं है। सरकार ने कहा है कि एक भी महिला विशेष बल में शामिल होने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि इनमें से कुछ ने स्वेच्छा से यूनिट्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि बिना किसी लैंगिक भेदभाव के विशेष बलों में शामिल हो, बशर्ते वे चयन गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करें और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करें। प्रदेश में दुर्घटना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक 50 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा। साथ ही प्रति 100 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। ट्रॉमा सेंटर की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने 22 मार्च को विधानसभा में की थी। यह ट्रॉमा सेंटर मल्टीपल फ्रैक्चर के इलाज के साथ ही दूसरे गंभीर मामले में जीवन रक्षक उपकरणों से लैस रहेंगे। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। राज्य में कार्यरत दोनों वितरण कंपनी में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 17,982.26 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की आय से 42% अधिक है। वहीं इस वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल खर्च 17,559.59 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के कुल खर्च से मात्र 25% अधिक है। इस तरह बेहतर राजस्व वसूली एवं समानुपातिक रूप से अन्य मदों के व्यय में कमी लाते हुए साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 422.68 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है। बिहार ने यह उपलब्धि पहली बार प्राप्त की है।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में बनी कोल्ड आउट नाम की कफ सिरप में जो इराक में बिक्री के लिए उपलब्ध है एक जहरीला रसायन पाया गया है। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण से पता चला है कि इस दवा में एथिलीन ग्लाइकोल है जो कि एक जहरीला औद्योगिक विलायक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च में बगदाद में एक फार्मेसी से खरीदी गई कोल्ड आउट की एक बोतल में 2.1% एथिलीन ग्लाइकोल होता है जो कि व्यापक रूप से स्वीकृत सीमा से लगभग 21 गुना अधिक है। दवा की जांच स्वतंत्र अमेरिकी प्रयोगशाला वेलिसियोर LLC ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोगी संस्था यूनेस्को की शिक्षा में तकनीक की एक रिपोर्ट में देशों से गुजारिश की है कि वे इस बात का गंभीरता और सावधानी से अवलोकन करें कि तकनीक का स्कूलों में उपयोग कैसे हो रहा है। इसके लिए रिपोर्ट में यहां तक अनुशंसा की गई है कि स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। स्कूलों में मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है जहाँ डिजिटल तकनीक एक उपकरण के तौर पर काम करे ना कि हावी हो जाए। निवेश समूह क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के मैनेजिंग पार्टनर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तेल उत्पादक देशों का संगठन OPEC+2 सकता है। दावा किया जा रहा है कि अगर तेल उत्पादन नीति को लेकर देशों के बीच असहमतियां कायम रहती हैं तो एकता भंग होती है तो OPEC+ गठबंधन टूट जाएगा और तेल की कीमतों में $35 प्रति बैरल तक कम हो सकती है। OPEC+ 23 देशों का एक समूह है जो दुनिया के लगभग 40% कच्चे तेल का उत्पादन करता है। चीन की नज़र ब्रिक्स संगठन पर भी, इसके जरिए दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। ऐसे में संगठन के दूसरे सदस्य भारत और ब्राजील विस्तार के खिलाफ है। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर कुछ नियम बनने चाहिए ताकि औपचारिक विस्तार से पहले ऐसा कुछ ना हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे चीन की असल मंशा यह है कि ब्रिक्स का ऐसा विस्तार किया जाए कि वह अमेरिका और यूरोपीय संघ के मुकाबले मजबूत दिखाई दे। चीन की इच्छा है कि उसमें इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया जाए। भारतीय नौसेना का जहाज खंजर के जरिए बंगाल की खाड़ी में फंसे 36 मछुआरों को भारतीय नौसेना के जवानों ने बचाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 मछुआरे 3 नावों पर सवार होकर मछली पकड़ने गए थे। सभी को निकालने में करीब 30 घंटे से ज्यादा का समय लगा। जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु तट से 130 समुद्री मील दूर मछुआरे फंसे हुए थे। मछुआरे 3 मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर सवार थे जिन्हें INS खंजर के जरिए इंडियन नेवी के जवानों ने चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों के बीच से निकाला गया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में इसके बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। हालांकि आपको ITR फाइल करते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि कुछ कमियों की वजह से आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। ITR फाइल करने के दौरान अगर आप छूट का दावा करने जा रहे हैं तो आपको छूट के लिए क्लेम उसी अनुसार करना चाहिए जैसा कि आपको डॉक्यूमेंट में है। साथ ही ये सभी डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए ताकि अगर इनकम टैक्स विभाग क्लेम किए गए चीज़ों का सबूत मांगे तो आप उसे पेश कर सकें। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों अंबानी ब्रदर्स को अब बड़ी राहत मिल रही है। प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण ने अधिग्रहण नियमों का पालन करने पर उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अन्य लोगों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का SEBI के आदेश शुक्रवार को खारिज कर दिया है। अब अंबानी ब्रदर्स को ये जुर्माना नहीं देना होगा। बता दें कि यह मामला वर्ष 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण नियमों का कथित तौर पर अनुपालन न करने से संबंधित है। लोकसभा ने शुक्रवार को खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी जिसमें जमीन के नीचे मौजूद कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निजी क्षेत्र को लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है। सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह विधेयक खनिज क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है। इस सरकार में हर क्षेत्र में बदलाव लाया जा रहा है और वह देश के हित में है। गिरफ्तार वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के मामले में महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने बड़ा खुलासा किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जासूसी मामले की जांच कर रही ATS ने बताया कि वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने पाकिस्तानी एजेंट से कहा था कि वह व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उसे ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट की अत्यधिक क्लासिफाइड रिपोर्ट दिखाएगा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने प्रदीप कुरुलकर से संपर्क किया था और खुद की पहचान जारा दास गुप्ता के रूप में बताई। कुरुलकर को ATS ने हनी ट्रैप के एक संदिग्ध मामले में 3 मई को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों की दी जाने वाली आर्थिक सहायता की पहली किस्त भी जारी की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यह शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की ताकत होती है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर सामने आएगी।
सब्जियों के भाव में अब आग लगने के बाद अब मसालों में उबाल की आशंका नजर आ रही है। पिछले साल के मुकाबले कुछ अहम मसालों में भाव में डबल डिजिट की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसमें भी जीरा का भाव सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है। पिछले महीने जीरा का भाव सालाना आधार पर 75% ज्यादा नजर आ रहा था। अनियमित मौसम और उत्पादन में गिरावट मसालों के भाव में तेजी की मुख्य वजह। जानकारों का कहना है कि इनके भाव में आगे भी तेजी जारी रहने की संभावना है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि कारण हल्दी जैसी तमाम फसलों के बुआई क्षेत्र में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीते बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2028 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया की इकोनॉमी का चमकता हुआ दिखाई देगा। वह अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश ने 2014 के बाद से जिस रास्ते को चुना है उससे पता चलता है कि भारत मार्च 2023 के वास्तविक जीडीपी आंकड़े के आधार पर 2027 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। SBI अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था सतत रूप से एक आदर्श स्थिति में है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत के लिए किसी भी मानदंड के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी की केंद्रीय टीम का ऐलान कर दिया। नड्डा की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा टीम में एक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और एक सह संगठन महामंत्री को जगह दी गई है। राष्ट्रीय सचिव 13 लोग बनाए गए हैं। एक कोषाध्यक्ष और एक सह कोषाध्यक्ष भी नियुक्ति JP नड्डा ने की है। आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। बढ़ती ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी को कारगर तरीके से रोकने के लिए केंद्र सरकार संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। हालांकि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में हंगामे के बीच कई आवश्यक विधेयक अधर में लटके नजर आ रहे हैं। इन्हीं विधेयकों में सेवा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 भी है जो संसद में शोर की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। 27 जुलाई को चर्चा के लिए लाया गया यह विधेयक विपक्ष के संसद से वॉकआउट की भेंट चढ़ गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 9 व 10 अगस्त को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नवाडी में आयोजित किया जाएगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार अधीनस्थ खेलकूद एवं युवा कार्य निर्देशालय के निर्देश के आलोक में खेल निदेशालय एवं जिला खेल कार्यालय धनबाद के तत्वाधान में आयोजन होगा। यह जानकारी जिला विभाग की ओर से दी गई है। केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के निदेशक KS जेम्स को निलंबित कर दिया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सूत्रों ने उन्हें बताया है कि इसके लिए जेम्स की भर्ती में अनियमितता का हवाला दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने 10 साल में देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। बीजेपी सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए मणिपुर जैसी घटना होने दी। हालात यह है कि आज प्रधानमंत्री लोकसभा का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस दौरान PM मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में देश के सभी CBSE स्कूलों में एक पाठ्यक्रम लागू होगा जिसके लिए 22 भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही है। इस दौरान PM श्री योजना की पहल किस्त भी जारी की। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने के प्रयास जारी। इसी कड़ी में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी योजनाबद्ध तरीके से अगले 2.5 वर्षों में भारत में अपना बना पहला चिप तैयार कर लेगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि चिप निर्माण इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया पटरी पर और कंपनी को नया पार्टनर मिल गया है। अमेरिका में सांसदों के एक समूह ने बाइडेन सरकार से अपील की कि वह भारतीय ग्रीन कार्ड आवेदकों के बैकलॉग को खत्म करने के लिए कार्यकारी कदम उठाए। बता दें कि साल 2020 में जिन भारतीय लोगों ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया है उनका वेटिंग पीरियड 195 साल बताया जा रहा है। इस पर अमेरिकी सांसदों ने चिंता जाहिर की है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने सिवान और सारण जिले के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति और साफ सफाई पर उनका फोकस रहा। सिवान DO कार्यालय के निरीक्षण के दौरान KK पाठक ने स्पष्ट कहा है कि 4 घंटे कार्यालय और 4 घंटे निरीक्षण करना सबके लिए जरूरी है। कोई भी 8 घंटे कार्यालय में जमा नहीं रहेगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, संजय चौधरी, नन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राहुल नौसाद अंसारी, पवन। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में जिस तरीके से KK पाठक शिक्षा व्यवस्था में सख्ती बरत रहे, क्या इससे शिक्षा विभाग में अब तक कोई सुधार देखा जा रहा है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।